गुड मॉर्निंग राकेश, गुड मॉर्निंग योगेश, गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग तोशी, गुड मॉर्निंग कुलदीप, गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग रक्षा। मॉर्निंग कृतिका, जहां तक नोट्स मैंने सेंड किए हैं वहां तक आई होप सबने बना लिए होंगे। बन गए सबके नोट्स? क्योंकि आज मैं आगे के और नोट्स सेंड करने वाली हूँ। आज कोशिश ये रखूंगी कि कंप्लीट जो चैप्टर है अपना, वो कंप्लीट जितना भी बचा हुआ है, मैं सारे नोट्स एक साथ ही सेंड करूंगी। कल मैं करने वाली थी एक्चुअली, फिर इसीलिए नहीं किए कि ज्यादा लोड हो जाएगा। उस दिन काफी सारे पेजेस है वो मैंने एक साथ भेज दिए थे आपको। आई थिंक 8 to 10 pages समथिंग था, तो मैंने कहा इतना एक साथ कर नहीं पाओगे आप, ठीक है। और एक क्या है कि काफी स्टूडेंट क्या है, पेज नंबर पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। मैंने मैंने पेज वाइज नीचे नंबर जो है वो मेंशन कर रखे हैं। एक पेज दो बार ही आया था, जैसे कि आई थिंक 16 नंबर था, ऐसा कुछ था जो पेज, जो मैंने एक बार ही आधे नो आधा बनाया था उसको, तो आधे भी इसकी पिक थी वो। उसके बाद कंप्लीट जब आप देखेंगे ना, तो नेक्स्ट जो आपकी पिक्चर आपको दिखेगी वे इस नंबर अगेन 16 ही, तो उसपे आपको कंप्लीट वही आधा मटेरियल और आधा दोनों मिलके शो हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कोई भी। इसके अलावा हो सकता है कि थोड़ा बहुत राइटिंग में भी इश्यू वगैरह आपको लगे, पर ऐसे तो नहीं, ऐसा किसी के साथ प्रॉब्लम थोड़ी होता है कि भाई बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा राइटिंग। गलत मत लिख लेना कुछ भी। बिल्कुल सही सोचा आपने हमारे बारे में। बिल्कुल सोचना पड़ता है ना कि एक साथ इतने सारे पेजेस अगर सेंड कर दूंगी तो फिर लोड हो जाएगा, कैसे लिखोगे इतने सारे, फिर लिखते ही रहोगे, समझ कुछ नहीं आएगा। इसलिए आज मैं सेंड करूंगी, कोशिश रखूंगी कंप्लीट जो चैप्टर है वो इवनिंग तक मैं आपको भेज ही दूँ नोट्स बना के, ठीक है। आई थिंक जितने स्टूडेंट्स आने चाहिए थे वो आ गए हैं। गुड मॉर्निंग नेहा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें क्लास, स्टार्ट करें। जो भी अपना टॉपिक था, ठीक है, टॉपिक अपना था क्या, HUF, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस की बात कर रहे थे अपन ने, ठीक है। और अब ये मत सोचिएगा कि मैम आगे बढ़ती जा रही है, पीछे का। और मैं देखिए, मैम ने दोबारा आपको इन्फॉर्म करा है कि नो इको क्लास टुडे। तो कोई भी सभी स्टूडेंट इस चीज के लिए कि भाई इको की क्लास है आज नहीं हो रही है, तो आपका इसके आई थिंक नेक्स्ट जो BST के बाद जो लेक्चर होता है वो इको का ही होता है आई थिंक। इको का ही होता है ना, BST के जस्ट बाद। ओके ओके रक्षा, थैंक यू बेटा। ओके ठीक है, अब फटाफट क्लास को शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सोल ट्रेड अपना कंप्लीट हो गया था, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस है, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, जो फीचर्स थे वो डिस्कस कर लिए थे, मेरिट्स अपन ने डिस्कस कर ली थी। आई थिंक आज जो अपने डिस्कशन जो अपना पॉइंट है वो है लिमिटेशंस, ठीक है। और मेरिट्स में अपने ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, 4 ही पॉइंट्स अपने सामने आए थे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली अगर अपन देखे तो। सबसे पहले इफेक्टिव कंट्रोल, एक बार सिर्फ रिपीट कर रही हूँ मैं ताकि ध्यान में रहे कि मैं मेरिट्स के बारे में क्या बताया था और लिमिटेशन से अपन फटाफट उसको कंपेयर करके जल्दी जल्दी अपन डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले मेरिट की बात करी गई थी, तो इफेक्टिव कंट्रोल अपन ने बात किया था, ठीक है, कि जब हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस की अपन बात करें, एक बार माइंड में फटाफट रिवाइज कर लेना ये चीज, हिंदू फैमिली बिजनेस की बात कर रहे थे, क्या क्या पॉइंट उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या मेरिट्स मैम ने बताई थी, क्या क्या फीचर्स अपने थे, ठीक है। सोल ट्रेड से बहुत ही ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है ये। और इफेक्टिव कंट्रोल सबसे पहला मेरिट इसका बोला गया था कि कंट्रोल पावर जो होता है पर्टिकुलर एक कर्ता का ही माना जाता है। उसके बाद में सेकंड बोला गया है, कभी भी बिजनेस एक्जिस्टेंस की जब अपन बात करें तो कंटिन्यू बिजनेस चलता रहता है, चाहे कोई भी पार्टनर की मतलब पार्टनर सॉरी किसी भी पार्टी की, चाहे इसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो, ठीक है, या अदर कोई बिजनेस के अंदर इस तरीके का अपने को देखने को मिल सकता है, तो उसमें कभी भी बिजनेस है वो बंद नहीं होता, कंटिन्यू एक बिजनेस चलता रहता है।
फिर उसके बाद में बोला है कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स जो है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, जबकि कर्ता की लाइबिलिटी हमेशा कैसे रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। दूसरी चीज इसमें जो लास्ट पॉइंट बोला है वो है इंक्रीज लॉयलिटी, ठीक है, और कोऑपरेशन, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में आज जो अपना पॉइंट बन रहा है, ठीक है, वो है अपना लिमिटेशन, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले लिमिटेशन के अंदर जो जस्ट मैंने अभी भी मेरिट्स बताई है उन्हीं की अपन क्या करेंगे, अपोजिट पॉइंट्स ले लेंगे। तो आप लोग बताइए अपने अपने अकॉर्डिंग कि मैम लिमिटेशन पे हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस है उसमें लिमिटेशन पे ये पॉइंट अपन इन्वॉल्व या मेंशन कर सकते हैं। फटाफट टाइप करो, शॉर्ट में टाइप करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा टाइप करने की जरूरत नहीं है। फटाफट कि मैम लिमिटेशन पे ये पॉइंट अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सुधीर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वेरी गुड रक्षा, सबसे अच्छा पॉइंट है ये कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी रहेगी, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वो एक इसका नेगेटिव पॉइंट या लिमिटेशन अपन कह सकते हैं। इसके अलावा लिमिटेड रिसोर्सेज, वेरी गुड, क्या हो रहा है कि जब एक कर्ता है तो ऑब्वियसली वो क्या है, पूरी फैमिली के हेड कमांड है, जो कि उस फैमिली बिजनेस को रन करने का काम कर रहे हैं। तो एक ये कहा जा सकता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, राकेश ने पॉइंट बताया है, तो जब अपन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कोई भी बिजनेस को रन करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें क्या रह रहा है अपना, एक शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रन के लिए वो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा चलेगा, पर एक लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं ना, एक बिजनेस कंटिन्यूटी की अपन बात करते हैं, तो वो बिजनेस बिना एक अच्छे रिसोर्सेज के कभी भी ज्यादा दिन तक रन नहीं कर पाता। वो चीज इसके अंदर अपन मेंशन करेंगे। दो पॉइंट अपने सामने आए, पहला कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, दूसरी चीज बताई है यहाँ पे कि मैम लिमिटेड रिसोर्सेज होती है। उसके बाद में और भी कोई, डोमिनेंस ऑफ कर्ता, वेरी गुड तोशी, यहाँ पे क्या बोला गया है कि पावरफुल जो पोजीशन रहती है ना, यहाँ पे डोमिनेंस का मतलब अपन क्या करके चलेंगे कि यहाँ पे जिस पावर पोजीशन में कर्ता वर्क कर रहा है उसको एक डोमिनेंट पार्टी कहा जाएगा, ठीक है, कि इन्फ्लुएंस कर रहा है बाकी जितने भी फैमिली के अंदर उस बिजनेस में जितने भी पर्सन जुड़े हुए हैं, एड है, उन सबको एक डोमिनेंट डोमिनेंस करने का काम जो है वो कर्ता करता है, ठीक है। तो काफी बार क्या हो पाता है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं जो कि उस बिजनेस में अलग से इन्वॉल्व है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग अगर नहीं चल पाएंगे तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए रन नहीं करवा पाएगा। ये भी एक लिमिटेशन या नेगेटिविटी अपन इस बिजनेस की कह सकते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, नेहा इसको थोड़ा सा बताइए, लैक ऑफ कंटिन्यूटी में आप क्या इन्वॉल्व करेंगे, और कोई स्टूडेंट? लैक ऑफ कंटिन्यूटी को अपन डोमिनेंस ऑफ कर्ता जो है इससे इन्वॉल्व कर सकते हैं नेहा, कि जस्ट मैंने बताया कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा और आपका और बाकी जितने भी मेंबर्स, मान लीजिए जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच का एक कम्युनिकेशन जो एक पॉइंट अपन कह सकते हैं, कम्युनिकेशन जो लेवल है वो जब मैच नहीं कर रहा, बैलेंस में नहीं आ रहा, तो वहां पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी अपन मान सकते हैं, ठीक है, थीके? कि क्या हो रहा है कि इस बिजनेस को अपन शॉर्ट टर्म के लिए मान सकते हैं, जबकि लॉन्ग रन में अपन कभी भी इस बिजनेस को कंटिन्यूटी में नहीं देख सकते। वो चीज इसमें देख सकते हैं, बिल्कुल डेथ डेथ हुआ, रिटायरमेंट वगैरह, डेथ रिटायरमेंट। गुड मॉर्निंग खुशी। ठीक है, तो आपकी बुक में भी ज्यादा कुछ मतलब लंबे चौड़े पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं, बेसिकली बहुत ही इजी इजी से चार ही पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। लिमिटेड स्किल्स, वेरी गुड रोहित, देखिए सबसे पहले ये कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, आप में से ही स्टूडेंट ने बताया है, ठीक है, यहाँ पे रक्षा ने ही बताया था आई थिंक ये पॉइंट। गुड मॉर्निंग अश्वेत, और कोई टाइपिंग हो रहा है? ठीक है, आप टाइप करो, मैं देखती हूँ तब तक। लिमिटेड रिसोर्सेज सबसे पहला पॉइंट है जिसके अंदर कहा गया है कि कोई भी हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस की जब अपन बात करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने को फेस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम अपने सामने आती है कि भाई कैपिटल कितनी है, कैपिटल अपने पास में लिमिटेड है,
लिमिटेड कैपिटल के लिए क्या कहेंगे, जैसे कि अगला जब अपन पॉइंट या टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्या हो रहा था, जैसे सोल ट्रेडर था। अब यहाँ पे क्या करो, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो, सोल ट्रेड है ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सेल सोल ट्रेड में प्रॉफिट था तो भी खुद का था, लॉस था खुद का तो भी खुद का है ठीक है। लिमिटेड कैपिटल के साथ एक बिजनेस को चलाना चाहिए, अनलिमिटेड के साथ चलाना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप जो हो, सोल प्रोप्राइटर जो है उन्हीं की हेडेक होगी, किसी थर्ड पार्टी की नहीं है। यहाँ पे सोल के बाद में अपन ने हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस के डिस्कशन अपन ने करा है, इसके बाद में अपन बात करेंगे पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में क्या है, कभी भी कैपिटल है वो कम नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर है वो अपने अपने तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बिजनेस को सेटअप करके रखते हैं और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जब अपन ने करा है तो अपने को देखने को मिलेगा कि हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस में क्या हो रहा है कि सिर्फ एक करता है वही हर एक चीज को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज बेसिकली अपन ये भी नहीं कह सकते दूसरे कोई जॉब में या किसी में इन्वॉल्व नहीं है, पर बेसिकली ये माना जाता है कि जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब एक ही बिजनेस को, जो कि उनका फैमिली बिजनेस है, उसी को रन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कैपिटल जो है वो अपने लिए मानी जाएगी, लिमिटेड कैपिटल ठीक है। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि मेनली ये डिपेंड होते हैं जो इनकी एंशियंट टाइम की जितनी भी एंस्टल प्रॉपर्टी जिनको अपन कहते हैं ना उसके ऊपर ठीक है, पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, ये क्या है एंस्टल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड रहते हैं बेसिकली, तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद सेकंड अपन ने बात करी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, बिल्कुल जाहिर सी बात है यहाँ पे जब अपन ने मेरिट्स की बात की थी तो यहाँ पे आया था लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, तो उसी का अपन ऑपोजिट करेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बोला जाता है कौन, मैम लिमिटेशंस बता रही है, मैम अभी आपने क्या बताया, मैं लॉग आउट हो गई। अपूर्वा वही अपने जो पॉइंट अपने डिस्कस कर रहे थे ना, जो आप लोगों ने आपस में डिस्कशन के से मुझे बताए थे, तो वही लिमिटेशन है, मैं थोड़ा सा वाइडली आपको बता रही हूँ, सेम वही पॉइंट्स है चार के चार। सेकंड रक्षा ने इन्हें बोला था कि मैम अनलिमिटेड लाइबिलिटी की अपन बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, तो यहाँ पे कहा गया है कि कर्ता है वो एक, तो ये माना जाता है कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ले सकते हैं अपन कि डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है हर चीज को कंप्लीटली एक मैनेज करने का काम है वो करता ही करता है, पर इसका लिमिटेशन साथ साथ अपन ये भी लेंगे कि इन सब काम को मैनेज करने के चक्कर में जो एक लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी कैसे बन जाती है कर्ता की, वो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है कि हर एक काम को स्टार्टिंग से के लेके एंडिंग तक मैनेज करने का जो एक सिस्टम है वो सारा का सारा किसके ऊपर यहाँ पे लोड है, वो है एक कर्ता के ऊपर ठीक है। तो दूसरा लिमिटेशन अपन इसका ये मानेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल रटना मत, कंफ्यूज नहीं होना, पहली चीज मैंने जस्ट आपको बताई कौन सी, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ वर्क करा जाता है जो कि लिमिटेशन या नेगेटिव पॉइंट माना गया है। दूसरा यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कर्ता की, कंप्लीट लोड किसके ऊपर है, कर्ता के ऊपर, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब एक चीज और मैं बता रही हूँ कि लिमिटेशन जब आप बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही लंबो चौड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन है वो दे रखा है ठीक है, डिस्क्राइब करके दे रखा है, मैं आपको नोट्स में अपनी लैंग्वेज में इजी इजी पॉइंट है ये मेंशन करके दे दूंगी, जहां जहां मुझे जरूरी लगेगा वो सब मैं लिख के आपको सेंड कर दूंगी ठीक है, तो बुक में आप कंफ्यूज मत होना ओके। अब इसके अलावा थर्ड पॉइंट, आप में से एक स्टूडेंट ने बताया कि मैम डोमिनेंस ऑफ कर्ता की बात करी गई है कि डोमिनेंट पार्टी अपन कह सकते हैं, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जो कि उस टाइम एक पावर और पोजीशन में वर्क करता है ठीक है, और जो जिसके अंडर में मतलब फॉलोवर्स अपन मान सकते हैं कि एक तो सेकंड मतलब मान लीजिए मैं हूँ ठीक है, तो मैं एक पावर एक पोजीशन में वर्क कर रही हूँ एक अच्छी पोस्ट के ऊपर और आप सब मेरी फॉलोवर्स है, जो मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ उस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं ठीक है, एक लीडर या उसके फॉलोवर्स की अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, तो क्या बोला जाएगा कि जितने भी डोमिनेंट जो पार्टी है वो क्या कर रही है अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको यहाँ पे मतलब इन्फ्लुएंस करने का काम कर रही है, इन्फ्लुएंस करने का काम कह रहा है मतलब अपन कह सकते हैं, तो इस चीज को अपन डोमिनेंट कहेंगे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मान लीजिए जैसे कि आपकी फैमिली में ही अपन मान के चलते हैं, आपकी फैमिली में या किसी भी फैमिली का आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे मैंने बताया था कि कर्ता अपन जो फैमिली के हेड पर्सन है उनको अपन मान सकते हैं, जैसे कि अपना अपने ग्रैंडफादर है या उनके बाद भी अगर कोई है तो उसको। अब यहाँ पे अपन मान सकते हैं कि जो एक जनरेशन है वो उनको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रही है ठीक है, आप इस चीज पे अपना बताइए कि क्या कि मैम सही है या नहीं है ठीक है, आप लोग ये चीज नोट करते हैं कि नहीं करते। सेकंड जो जनरेशन है वो कुछ हद तक उनको फॉलो करेगी, थर्ड जो जनरेशन है
उनको ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से ये अपना जो एक मतलब एक पावर पोजीशन हम सब पे क्या कर रहे हैं, एक मतलब डोमिनेंट पोजीशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कि हम सबको ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस फैमिली बिजनेस को ही हम रन करना चाहे, हमारे खुद के भी बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, या फिर जरूरी नहीं है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए करें। तो धीरे 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 क्या होता है कि नेक्स्ट जो जनरेशन चलती रहती है ना, उनको वो चीज एक लोड लगने लग जाती है। तो डोमिनेंस ऑफ कर्ता यहाँ पे उस चीज से अपन अंदाज लगा के चलेंगे कि जनरेशन टू जनरेशन जब एक बिजनेस को रन करवाने की कोशिश करी जाती है, तो जरूरी नहीं है कि हर जनरेशन में हर एक जो पर्सन है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, ठीक है, इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं करा गया है, तो वो सब एक फैमिली बिजनेस को ही रन करना चाहे, ऐसा नहीं हो पाता। तो वो चीज यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ कर्ता के रूप में एक लिमिटेशन यहाँ पे बोली गई है, या एक नेगेटिव पॉइंट भी अपन कह सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब आजकल आप लोगों के साथ ही ऐसा होएगा कि भाई फैमिली बिजनेस है, तो बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो इसमें पॉजिटिविटी भी है, ठीक है, इसमें पॉजिटिविटी भी है। जैसे क्या होता है कि आज आपका कोई फैमिली बिजनेस है, उनको अपन ने सबसे पहले बात करी कि मैम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपन वर्क करते हैं। आप में से एक स्टूडेंट ने बोला मुझे, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के मतलब उनका जो माइंड सेट है, उनके आइडियाज है, ठीक है, वो वहां तक ही लिमिट है। आप नई जनरेशन की है, ठीक है, मुझसे भी एडवांस, मतलब मैं भी आज कुछ नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव जो स्टूडेंट्स हैं, या बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है आपके माइंड में है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, आपको कोई ड्राइंग कॉन्सेप्ट दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि भी मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट रेडी करना है, और मैं कह रही हूँ भाई आप 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सब मेरी हेल्प करेंगे, और आप सब क्या कर रहे हैं मिलजुल के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट, तो आप बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अपनी बहुत सारी एफर्ट्स, अपने बहुत सारे स्किल्स उसके अंदर मेंशन करेंगे। ये सब एक पॉजिटिव पॉइंट भी अपन कह सकते हैं कि अगर फैमिली बिजनेस को आप रन करें, ठीक है, इन फ्यूचर, तो वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से या बहुत कुछ नया उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। पर आजकल के स्टूडेंट क्या है, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जॉब को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे बहुत सारे, मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योर्स की मैंने बात करी थी काफी टाइम पहले, याद हो तो आपको, तो क्या है पहले ये देखा जाता था, एक टाइम तक मोस्टली आप देखेंगे तो आप राजस्थान में ये चीज देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत ही ज्यादा दुनिया भाग रही है। एक तो बीएड का जो कॉन्सेप्ट है, वो हर तीसरा बंदा बीएड है वो देखेंगे आप, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोचती हूँ, सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट है, मेनली आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में और हरियाणा में, ये दो जगह आपको सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तरफ, ठीक है, या फिर आर्मी और पुलिस में सबसे ज्यादा जो जाते हैं ना, फौज वगैरह में, आर्मी वगैरह में, तो वो भी राजस्थान, और जब आप देखेंगे कि हरियाणा, इनमें ही सबसे ज्यादा यहाँ पे जाते हैं। बाहर के जो लोग हैं, जो कि सिटीज में और भी जगह है, ठीक है, राजस्थान से अदर स्टेट्स के अंदर, वो गवर्नमेंट जॉब में इतना विश्वास नहीं रखते, ठीक है, वो अलग अलग प्राइवेट जॉब में भी उनका मानना है कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो प्राइवेट जॉब में होती है। मेरा भी ऐसा ही मानना है कि प्राइवेट जॉब में जितना आप सीख पाते हैं उतना गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं सीख पाते, तो अलग अलग ये सब चीजें बताई गई है, ठीक है। बिल्कुल, सबका एक जैसा ही सही होता है ये। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स यानी जस्ट अपन ने बात करी कि ये सब एड है, ठीक है, इनमें से देखना अगर आप रटोगे नहीं ना, समझ के पॉइंट करोगे, तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है वो फोर्थ से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अपना था लिमिटेड रिसोर्सेस, फोर्थ पॉइंट कह रहा है अपने को लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, कि हर एक कर्ता, या फिर कर्ता को हटा दीजिए, हर एक पर्सन जो है वो हर काम को करने में एक्सपर्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो भी एक कमियां अपन कह सकते हैं, लिमिटेशन जो है वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो वहां पे अपन कह सकते हैं कि एक बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा जब ग्रो करे, तो वो कब हो पाएगा, जब अलग अलग सेक्टर के पर्सन है वो सब एक जगह अपना माइंड सेट करके एक जगह जब बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जितने भी डिसीजन है, जितना भी कंटिन्यूटी है, बिजनेस में क्या इन्वॉल्व करना है, क्या लेस करना है, क्या ऐड करना है, वो सब के सब डिसीजन कौन ले रहे हैं, सिर्फ कर्ता ही वो डिसीजन ले पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चार लिमिटेशन हुई, सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकेंड था अपना अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, थर्ड अपना है डोमिनेंस ऑफ कर्ता, और फोर्थ है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये अपना हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, ठीक है। अब बताइए कि दो मैंने आपको पॉइंट करवाए हैं सेकंड चैप्टर में, अभी तक मेन जो मतलब जो एक वाइड टॉपिक है उनमें, पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर,
और सेकंड अपन ने हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस है, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बताइए किसी को प्रॉब्लम है, पूछ लूंगी मैं, देख लेना बीच में से और कहीं से भी मैं पूछ लूंगी। फोर्थ पॉइंट वापस बता दूं, मैनेजरियल स्किल्स का वाला ना, कौन बताएगा इसमें से, आप में से कोई स्टूडेंट है वो बताना चाहेंगे मैनेजरियल स्किल्स के बारे में, लिमिटेशन का? ठीक है पूर्वा, बिल्कुल, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है वो बताना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं बताऊंगी, मैं फिर भी बताऊंगी, मैं बाद में भी बताऊंगी अगर आप लोग बता देंगे तो भी। करता है, करता हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता, बिल्कुल रोहित। इसके अलावा आपकी इसका बुक का थोड़ा सा लेके, आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक भी यही कह रही है कि कर्ता कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। द बिजनेस में सफर एज ए रिजल्ट ऑफ हिज अनवाइज डिसीजन, काफी बार क्या करता है जल्दी जल्दी में डिसीजन, ये माना जाता है, दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट भी है नेगेटिव भी है अपूर्वा, ये बोला जाता है बेटा कि काफी बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में अपन डिसीजन लेते हैं ना, ठीक है। जैसे कि ये एक लिमिटेशन अपन सोल ट्रेडर के लिए भी मेंशन कर सकते हैं सेम, कि अनवाइज डिसीजन मेकिंग हो जाता है काफी बार, जैसे कि कोई भी डिसीजन जब लिया जा रहा है तो ये माना जाता है कि एक बंदे की जगह आप दो या तीन पर्सन को जब इन्वॉल्व करेंगे तो वो डिसीजन ज्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय किसके, जब एक पर्सन अकेला हर एक बिजनेस डिसीजन को ले रहा है तो वो डिसीजन अनवाइज डिसीजन बोला जाएगा, ठीक है। और कोई स्टूडेंट, सेकेंड वेट, वीडियो क्लियर है क्या, वीडियो बीच में, सॉरी 2 मिनट डिस्टरबेंस हुआ है शायद आपको। ओके ओके ओके, थैंक यू। इंडिविजुअल खुद का बिजनेस ये सब चीजें, ओके ठीक है, तो ये पॉइंट अपन कंप्लीट करें यहाँ पे। नेक्स्ट जो अपना है वो है पार्टनरशिप, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही एक पार्टनरशिप को कंप्लीट एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट अपन कह सकते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। पार्टनरशिप क्या कहेंगे आप, पार्टनरशिप के लिए आप क्या कहेंगे, अगर कोई 2 लाइन में आपको बताना पड़े कि मैम पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, फटाफट देखिए। पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद आप डिस्कस करना, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसके बाद आपसे, ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टिंग में ही आपसे पूछ लें, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक पॉइंट का, थोड़ा बहुत बताने के बाद तो आप बता देते हो, मुझे पता है। सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932,
एकदम माइंड में क्लियर रखना। बहुत बारी क्वेश्चन भी पूछा जाता है 11th में, तो क्या होता है कि ठीक है मैम ही पेपर वगैरह सेट करती हूँ, मैं ही सेट करूंगी, तो उसमें ज्यादा नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई पॉइंट पढ़ रहे हो, मेरा ऐसा ही है, मैं 12th में भी यही कहती हूँ बारी बारी आपको, कि जब भी आप कोई पॉइंट पढ़ो या कोई भी बुक आप पढ़ो, तो आप इस तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश करो, या इस तरीके से एक एक पॉइंट है या कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो कि आपके माइंड में सब कुछ एकदम सेट रहे हमेशा। मतलब ये देख लीजिए कि जब भी आप, जब तक आप एक स्टडी है अपनी कंटिन्यू रख रहे हो, तब तक जब कभी भी आपको इस इन पॉइंट्स का, या कभी भी ऐसा हो कि भाई है, तो बिल्कुल आपके माइंड में ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो जो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहे इन फ्यूचर की। तो हमेशा इस तरीके की कोशिश आप रखा करो। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932, हमेशा याद रखेंगे इस चीज को। उसके बाद में पार्टनरशिप के लिए देखो क्या बोला जाता है, बेसिक बेसिक चीजें सबसे पहले मैं बताती हूँ, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले पार्टनरशिप, एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो बोला जाता है, जिसको हिंदी में उद्देश्य कहा जाता है, कि भी किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सबसे बड़ा जो एक है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट हमेशा अर्न करने के लिए ही पार्टनरशिप है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पार्टनरशिप फॉर्म है, वो स्टार्ट करी जाती है। इसके बाद अपन कह सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा पर्सन वर्क करते हैं, किसी भी मिनिमम अपन कह सकते हैं, ठीक है, कि मिनिमम, बिल्कुल रक्षा और रोहित बिल्कुल सही कहा है कि दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, मिनिमम जो बोला गया है इनके अंदर आएगा भी कि मैम मतलब मिनिमम जो एक पर्सन है वो रिक्वायर कितने होते हैं, तो मिनिमम दो पार्टी है, दो पर्सन कोई भी है वो रिक्वायर होते हैं, और मैक्सिमम का मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगी। उसके बाद में जैसे हम बात करें कि अपन ये देख सकते हैं कि जब अपन एक चैरिटी वगैरह की बात करते हैं ना, कि भाई चैरिटी वगैरह है ये सब चीजें, तो कभी भी पार्टनरशिप में ये सब चीजें इन्वॉल्व नहीं होती, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। और अपन ये कह सकते हैं कि चैरिटी वगैरह इन सब चीजों से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। जब भी कोई चैरिटी वगैरह का, ठीक है, दान धर्म इन सब चीजों की बातें आती है, तो वो क्या है, पार्टनरशिप में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिए आपकी बुक में तो बहुत ही जैसे लंबी चौड़ी, तो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी, इसके अलावा आपके माइंड में इससे रिलेटेड कुछ आ रहा है कि मैम, फिर मैं बुक के अकॉर्डिंग जो आपका डेफिनेशन वगैरह है वो सब आपको पढ़ाऊंगी, बताइए। बिल्कुल, और कोई स्टूडेंट, रक्षा और रोहित ने यहाँ पे बोला है टू और मोर पर्सन प्लानिंग करते हैं बिजनेस में, दो या दो से ज्यादा पर्सन वर्क करते हैं किसी बिजनेस में, मोर कैपिटल इज अवेलेबल फॉर द बिजनेस। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले अपूर्वा ये चीज बहुत सही बोली आपने, कि यहाँ पे अपन ने उसके जो अभी जस्ट अपन ने HUF का पढ़ा था, तो उसमें डिस्कस किया था ना कि मैम लिमिटेड कैपिटल के साथ अपने को सारे के सारे वर्क है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि अनलिमिटेड जो कैपिटल है वो अपने लिए सबसे अच्छा एक बेनिफिट पॉइंट बोला गया है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट, आपकी बुक में देख रही हूं मैं कुछ, बिल्कुल यहाँ पे देखो सिर्फ यही बात कही गई है कि जब भी एक बिजनेस को रन करने की बात कर रहे हैं ना अपन, पार्टनरशिप को चलाने की बात कर रहे हैं, तो इन सब का जो एक मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना ही है, ठीक है। और वो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए करा जाता है कि जितने टाइम के लिए अपने को पार्टनरशिप, ठीक है, ये दोनों चीजें हो सकती है। अब दूसरी चीज क्या है, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करूंगी, इसमें मेरे ध्यान में अभी आई है जस्ट, कि अपना जो भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, वो ऑब्जेक्ट अपना क्या होना चाहिए, अपना वैलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि फ्रॉड या फिर इलीगल बिजनेस अपन करना चाहे हैं और उसके लिए अपन ने पार्टनरशिप जो है फर्म या एजेंसी है वो कंडक्ट कर ली, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमेशा जो पहला चीज ऑब्जेक्ट है इस बिजनेस का, वो प्रॉफिट अर्न करना। दूसरी चीज, जो भी एक बिजनेस का जो एक मतलब फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट अपना जो है वो इलीगल बिजनेस को कंडक्ट करने का नहीं होना चाहिए। बिजनेस की जो फॉर्म है, ठीक है, एक बिजनेस का जो एक टाइप है, वो एक बिजनेस का टाइप एकदम अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल लीगल तरीके से अपन उस बिजनेस को रन करें। तो पार्टनरशिप में ये भी बहुत जरूरी बात है कि इलीगल कॉन्सेप्ट अपना नहीं चलेगा।
फिर उसके बाद में देखिए मोर कैपिटल इज अवेलेबल फॉर द बिजनेस. तो उसी कह रहे हैं मैम पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन सब्सिस्ट बिटवीन पर्सन एंड वो हैव एग्रीड टू कंबाइन देयर प्रॉपर्टी. बिल्कुल सही है. उसके बाद मोर प्रॉफिट लॉस होने से कम लॉस होने के कम चांसेस होते हैं. और लॉस अगर हो भी रहा है तो क्या कर रहे हैं अपना अपना जो भी है उसके अंदर से जो उनका रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ही उनको लॉस होगा. ठीक है. जैसे कि क्या बोला जाता है इसके अंदर मान लीजिए कि आप कोई भी आप में से चार स्टूडेंट है. ठीक है. वो चारों के सार चारों फ्रेंड्स है वो एक साथ क्या कर रहे हैं अपनी अपनी कैपिटल. अब जब एक साथ आप कैपिटल को लेके आ रहे हो तो जाहिर से बात है आपका रेशियो जो है वो एक साथ ही डिसाइड होगा. मान लीजिए एक पर्सन जो है आपका जो रेशियो है वो 2:1 में हो गया. ठीक है. 2 और 1 के बीच में डिसाइड हो गया. किसी का 3:1 में हो गया. किसी का 2 और 2 में हो गया. इस तरीके से रेशियो डिसाइड होते हैं जिनमें उनको प्रॉफिट और लॉस है उसी के अकॉर्डिंग मिलता है. प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग जितना आप कैपिटल लेके आए हो लॉस भी आपको उसी के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा. ठीक है. फिर मैं एक नई पार्टनर आपके इसमें से क्या हो रही इन्वॉल्व हो रही है. दो सिचुएशन बनेगी. एक तो ये बनेगी कि मान लीजिए एक पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट है या फिर रिटायरमेंट ले लिया तो उनकी जगह मैं आ रही हूँ. या फिर एक यहाँ पे टाइप ये भी हो सकता है कि आप चारों पहले से अवेलेबल है और मैं एक न्यू पार्टनर के फॉर्म में आपके बिजनेस में इंटर हो रही हूँ. ठीक है. तो मेरी जो लाइबिलिटी है जितना कैपिटल मैं लेके आ रही हूँ एज ए न्यू पार्टनर उतना ही लाइबिलिटी मेरी बनेगी. तो लाइबिलिटी यहाँ पे बोली जाती है जब एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी. और जब प्रॉफिट और लॉस की बारी आती है ना तो लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है अपनी जितना शेयर अपन ने इन्वेस्ट करा है जितना कैपिटल अपन ने इन्वेस्ट करा है उसके अकॉर्डिंग अपनी लिमिटेड बनेगी. ध्यान से सुनिएगा जब एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो काफी बार ये भी होगा कि आप में से चारों में से कोई भी पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो पूरे के पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करने का काम सिर्फ मैं अकेली कर रही हूँ तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. ठीक है. जबकि जितना कैपिटल मैंने इन्वेस्ट करा है उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट और लॉस मुझे बियर करना पड़ेगा वहां पे मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड कहलाएगी. इतनी चीज आपको याद रखनी है. अब म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए. बिल्कुल सही है. फिर कहा है बिजनेस रन विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एंड विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. वेरी गुड. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. ठीक है. और फिर है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस. वेरी गुड. द स्टेट ऑफ बींग ए पार्टनर इन बिजनेस. बहुत सारी ऐसा मतलब बच्चे तो बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर्स आप लोग दे रहे हो. ठीक है. अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि बुक से दे रहे हो या खुद के अंडरस्टैंडिंग से दे रहे हो या कुछ गूगल से भी इधर उधर से, पर आपने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आंसर्स दिए हैं. ठीक है. तो सबसे पहले अब एक पार्टनरशिप डेफिनेशन की अपन बात करते हैं. ठीक है. कुछ कुछ चीजें हैं वो आपने बहुत बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे देखिए सबसे इजी जो डेफिनेशन आपके लिए रहेगी ना वो सबसे इजी डेफिनेशन मैं एक ही सजेस्ट आपको करूंगी जो मैं आपको नोट्स में मेंशन करके भेज दूंगी उसको अपन डिस्कस करेंगे. अच्छा पहले ही वो जी भेजे जा रहे हैं ना फिर उसको डिलीट किया जा रहा है फिर याद आ रहा है कि मैम ने मना किया था. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ठीक है. अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रिलेशनशिप बिटवीन ध्यान से सुनिएगा इस डेफिनेशन को बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा ठीक है इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन. आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो डेफिनेशन जो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी ये डेफिनेशन का मीनिंग बहुत ही अच्छा है. और जब आप रिसर्च स्कॉलर एज ए रिसर्च स्कॉलर या फिर जैसे बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ तो उन सब में भी पार्टनरशिप है कंपनी है ये बहुत ही ज्यादा वाइडली आज भी इन्वॉल्व हो रहा है. ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कब 11th पढ़ी थी तो तब तक ही मेरे काम के लिए था. इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब भी आगे आप स्टडी करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट ठीक है. अगर अभी मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ आ रहा वो चीज तो अलग है. अगर समझ आ रहा है तो उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट. सुनिएगा वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड एक लाइन है इसके अंदर कैरिड बाय ऑल और वन एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है. क्या कहा जा रहा है पूरी डेफिनेशन एक बार पूरी बोल रही हूँ. द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल
और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, क्या बोला गया है, कोई भी एक रिलेशनशिप या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सबके सब एक जगह अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए जो बोली गई है, द बिजनेस कैरिड बाय ऑल, ठीक है, इस चीज का शायद मीनिंग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द बिजनेस कैरिड बाय ऑल, जिसको क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टनर्स हैं वो मिलके कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं, चला रहे हैं उस बिजनेस को। उसके बाद एक लाइन दी गई है, ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कौन बताएगा इसका मतलब कि मैम ये तो यहाँ तक तो समझ सबको आया होगा कि कैरिड बाय कैरिड ऑन बाय ऑल, ठीक है, कि सारे के सारे एक बिजनेस फर्म को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ चलाते हैं उस फर्म को। उसके बाद एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब बताइए, कौन बताएगा? बताएगा? एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अच्छा आप ही बता दीजिए, ये सही है। क्या बोला गया है कि जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अपन बात करें, आपने बहुत बारी सुना होगा एजेंसी, एजेंसी वर्ड जो है, एजेंसी एजेंसी आपने बहुत बारी सुना होगा कि मैम एजेंसी ले रखी है, या आपने कहीं काफी जगह देखा भी हो इस तरीके का कॉन्सेप्ट कभी भी, एजेंसी एजेंसी वर्ड सुना है काफी बारी आपने। जी बिल्कुल, तो और भी स्टूडेंट ने सुना होगा, या फिर कुलदीप का रिप्लाई आया है, तो एजेंसी वर्ड सुना है जिसके अंदर दो पार्टी हमेशा होती है, एक तो होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है यहाँ पे एजेंट। एजेंट वर्ड तो सबने ही सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एजेंसी और एजेंट वर्ड ना ही सुना हो किसी ने, ठीक है। अब सुनेगा ध्यान से, जब अपन एक एजेंसी की बात करते हैं ना, तो उसमें दो पार्टी होती है, पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है एजेंट, ठीक है। अब प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंसिपल अपने जो भी बिजनेस है उसको क्या कर रहा है, उसका जो एक राइट है, ठीक है, कंप्लीट ऑनरशिप तो मैं नहीं कह सकती, थोड़ा बहुत राइट है, थोड़ा बहुत लाइबिलिटी है, वो हैंडओवर करता है किसको, एजेंट को। और एजेंट क्या कर रहा है, एक प्रिंसिपल का जो बिजनेस है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, एजेंट का हमेशा यही काम होता है कि जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी जिनका बिजनेस है, जो ऑनर है, ठीक है, उनके बिजनेस को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, वो एक एजेंट का सबसे पहला जो ड्यूटी बोल सकते हैं, या लाइबिलिटी या एक वर्क है, वो यही होता है हर एक एजेंट का, कि वो अपना ऑनर या प्रिंसिपल जो होता है उसके वर्क को, उनके बिजनेस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आ जाइए पार्टनरशिप के अंदर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको लाइन बोली है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। काफी बारी क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये दो लाइबिलिटी बनेगी, पहली मैंने बताया कैरिड ऑन बाय ऑल, कि सारे के सारे पार्टनर्स हैं उनकी एक साथ एक जैसे लाइबिलिटी है। दूसरी चीज यहाँ पे जब मैं बता रही हूँ कि एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सारे के सारे पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर कंप्लीट बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करने का काम कर सकते हैं, हमेशा इस लाइन का यही मतलब आप मानेंगे कि कोई भी हर एक पार्टनर में इतना राइट, हर एक पार्टनर को इतना राइट मिला हुआ रहता है, या हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी है यहाँ पे जाके अनलिमिटेड मानी जाएगी। मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले आपको ये चीज कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में ये आएगा कि कोई भी एक पार्टनर इनमें से पूरे जितने भी पार्टनर जो है बाकी पार्टनर्स उनको भी रिप्रेजेंट करने का काम कर सकता है, बाकी किसी दूसरे बिजनेस के सामने, या फिर पूरे के पूरे बिजनेस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है वो, ठीक है। इसमें इन सब की परमिशन की या इन सब चीजों की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। जब भी कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है, तो पहली चीज तो कि इस डेफिनेशन में सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वही उस बिजनेस को रन करने की कोशिश कर रहे हैं, चला रहे हैं, कैरिड बाय ऑल, और दूसरा वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि उनमें से एक जो पार्टी है, कोई भी एक पर्सन है, वो भी पूरे के पूरे बिजनेस को, या सारे के सारे पार्टनर्स है उनको भी सेकंड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है, ये भी एक उनका राइट मिला हुआ रहता है, ठीक है। इस चीज का मतलब अपन ये मान के चलेंगे। एजेंसी मीन संस्था और शाखा, नहीं अपन संस्था और शाखा तो नहीं कह सकते इसको नेहा, एजेंसी में भी क्या है, एजेंसी में जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं, एग्जांपल देती हूँ वो भी मार्केट का, जैसे आप छोटी छोटी जगह पे देखेंगे ना, उससे आपको विलेजेस वगैरह में देखने को मैं बताती हूँ, मैम अगर कोई मर जाए तो उसका परसेंट कौन लेगा,
पार्टनरशिप के अंदर वो सब आगे आएगा पूर्वा, उसके अंदर पूरा आएगा रेशियो वगैरह कि इनमें से अगर मान लीजिए कोई इंसॉल्वेंट हो गया या उनकी जगह, ठीक है, तो इनमें भी ऐसा नहीं होता जैसे कि अपन बैंक वगैरह में जाते हैं तो बैंक वगैरह में क्या होता है, अपने सामने ये देखने को मिलती है अपने को चीजें कि आपको नॉमिनी दो एनी टू नॉमिनी है वो वहां पे मेंशन करने पड़ते हैं, पार्टनरशिप हुआ, कंपनी हुआ, जहां भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना वहां पे इस तरीके की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है वो भी आपको देखने को मिलेगी कि अगर इन पर इन कोई भी एनी सिचुएशन अगर पार्टनर किसी भी पार्टनर को इस तरीके का कुछ हो जाता है तो उनका जो प्रॉफिट है वो उनके पीछे जो बच जाते हैं ना जिसको वो एज ए नॉमिनी वहां पे अपॉइंट करके जा रहे हैं उनको वो जो पार्टनर है, ठीक है, वो प्रॉफिट है उनके हिस्से में चला जाता है। इस तरीके का बैंक में भी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे जी, न्यू पर्सन को भी इन्वॉल्व कर लेंगे अगर वो मतलब इस तरीके का उनका प्रॉफिट ऐसा नहीं कि वो सब आपस में बांट लेंगे, नॉमिनी बहुत तरीके का आपको रहेगा और फिर सारा प्रॉफिट मेरा, बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा सा फटाफट क्या है कि देखो तभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तभी सबको पढ़ा रही हूँ कि भाई कंपनी अच्छे से समझ लो, पार्टनरशिप समझ लो, ठीक है, उसके बाद लॉ का भी थोड़ा बहुत नॉलेज दे दूंगी, फिर सब मिलके एक नया सा बिजनेस है वो कंडक्ट कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, एक न्यू जो फर्म है उसको अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करके, ये मत कहना कि मैम सबसे ज्यादा कैपिटल आप ही लगाएंगे, हम सिर्फ पार्टनर है, ठीक है, सब इसीलिए इसीलिए तो पढ़ा रही हूँ आपको, 11th के लिए थोड़ी पढ़ा रही हूँ। हर बिजनेस का अपना रूल रेगुलेशन होता है, बिल्कुल सही है रोहित कि हर बिजनेस का अपना रूल रेगुलेशन होता है। अब क्या होता है कि इनको अगर अपन वाइडली डिस्कस करें ना तो बहुत ही ज्यादा मतलब वाइड है, तो आप ये मान लीजिए ना कि जब रिसर्च स्कॉलर तक भी ये सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो ये होता है 11th में इनका थोड़ा सा बेस कम कर दिया, 12th में अगर यही पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं थोड़ा सा और वाइड कर देते हैं, और धीरे धीरे बीकॉम बीबीए एमकॉम, ठीक है, एमबीए वगैरह इन सब में इनको थोड़ा थोड़ा वाइडली आप डिस्कस कर पाते हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन अपनी हो गई, अब इसके बाद में और फॉर्मेशन की सबसे पहले फीचर्स की बात कर रहे हैं, फीचर्स में का क्या कहा गया है, सबसे पहले अपना आया है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में जस्ट मैंने सबसे पहले आपको बताया कि फॉर्मेशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वही मेंशन अपन करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट की टर्म्स कंडीशन है, एग्रीमेंट वगैरह है वो सब भी साइन करा जाता है, ठीक है। अब एग्रीमेंट वगैरह में भी बहुत सारी, अब मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स की जब अपन ने बात करी थी ना तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स कौन बताएगा, देखो मिनिमम मैं बता देती हूँ, मिनिमम जो नंबर है आप में से भी एक स्टूडेंट ने बताया था मिनिमम कोई भी इन नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करेंगे मिनिमम है टू, ठीक है, दो पर्सन है वो मिनिमम है, मिनिमम टू पर्सन है वो रिक्वायर रहते हैं कोई भी पार्टनरशिप के अंदर, और मैक्सिमम की जब अपन बात करते हैं तो कौन बताएगा, फटाफट पार्टनरशिप में 100 बोला गया है, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, कंपनीज वगैरह की जब अपन बात करते हैं ना तो 50 बोला गया है। पार्टनरशिप फॉर्म में 100 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे जो आप बात बता रहे हैं ना ये कंपनीज वगैरह अदर अपन फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अभी जब कंपनी एक्ट की अपन बात करेंगे ना तो 2013 चल रहा है फिलहाल, जिसमें जो भी चेंजेस हुए उसके बाद 2019 में भी हुए हैं पर इतना चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, कि अपन पूरा इसको चेंज मान ले। तो पहले जब अपन एक बिजनेस की बात करते थे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है मिनिमम टू थे, और मैक्सिमम मैक्सिमम क्या रख कर रखा था पहले की जब मैं डिस्कस कर रही हूँ, बैंकिंग सेक्टर में 10 था, ठीक है, और नॉन बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर के अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें जब अपन नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करेंगे तो वो था 20, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में कितना था 10 और अदर सेक्टर में था वो 20, जिसको अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया है रिसेंटली 2013 के बाद, अब जब अपन देख रहे हैं तो उसको जितने भी गवर्नमेंट की या फिर कंपनीज वगैरह की अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें तो 50 बोला गया है, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म की जब अपन बात करें तो उसमें मैक्सिमम अपन 100 तक भी मेंबर्स है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। मैम ये 100 है क्या? कौन, ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स। अलग अलग है तोशी, आपकी बुक में भी साफ साफ देखी। थोड़ा सा और अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको बिल्कुल वाइडली है वो और डिस्कस कर दूंगी ये चीज, ठीक है। पर बैंकिंग सेक्टर में पहले ये बोला गया था कि मिनिमम 10 थे, फिर उसके बाद में अदर बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग सेक्टर थे उसमें 20 कर दिया था। इसके बाद में जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2013 कंपनी एक्ट की अपन बात करते हैं तो उसमें बोल रखा है कि 100 तक अपन ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब 2014 में भी कुछ चेंजेस आए थे रूल्स वगैरह, उसके अलावा अपन देखे तो एट प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 50, ठीक है। इसलिए बहुत सारे चेंजेस वगैरह इसके अंदर है और कंप्लीटली मैं टेबल भी इनका है तो वो टेबल के अकॉर्डिंग आपको और भी मतलब एक्सप्लेन करके बता दूंगी। टाइपिंग हो रही है फटाफट। देखो मुझे स्टूडेंट है वो अपूर्वा, अश्मित, कृतिका, कुलदीप, नेहा, प्रिया, रक्षा, रोहित, सुधीर, तोशी। और मुझे ये लगता है जो एक इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टेड होने चाहिए ना जो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठते हैं, ठीक है। बाकी तो अपूर्वा क्या बोल रखा है कि 2013 में बहुत सारे चेंजेस आए थे, ठीक है। उन चेंजेस के बाद कह रखा है कि एक कुछ सेक्टर्स में 50 रखा गया है और कंपनी वगैरह के सेक्टर में इन्होंने कहा है, सॉरी, कंपनी वगैरह के सेक्टर में इन्होंने 50 तक बोला है जबकि पार्टनरशिप सेक्टर में इन्होंने 100 तक भी बोला है, ठीक है। और पहले का जब मैं बात करूं तो 2013 से पहले जो भी एक्ट वगैरह थी उनके अकॉर्डिंग क्या बोल रखा था, मिनिमम तो अभी भी 2 ही है, पहले भी 2 ही थे अभी भी 2 ही है, जबकि पहले मिनिमम बैंकिंग सेक्टर में 10 होते थे, नॉन बैंकिंग सेक्टर में 20 होते थे, जबकि 2013 और 14 में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, सॉरी, उसके बाद में। और 50 और 100 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कुछ सेक्टर में 50 रखा गया है, ठीक है, कंपनीज वगैरह का जो सेक्टर है वो पार्टनरशिप वगैरह में 100 तक भी अपन ले जा सकते हैं, ठीक है। और तोशी ने मैम कहा है कि मैम 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इनका कंप्लीट टेबल जो है वो आपकी जो नोट्स में बनाऊंगी उसमें भी मेंशन कर दूंगी। और उसके अलावा नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे ना उसके अंदर कंप्लीट, मतलब यही नहीं है सिर्फ नंबर ऑफ पार्टनर जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे उस टेबल के अंदर में आपको डिफरेंस है, वो बहुत सारे मैं आपके सामने रखी दूंगी, वो चीज अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 150 ये चेंजेस की वजह से, बिल्कुल 150 चेंजेस की वजह से बेटा, 2013 जो है उसमें कंपनी एक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए थे उससे पहले, और 2013 में भी आए थे कुछ चेंजेस, 14 में भी आए हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ पार्टनर्स की अपन चेंजेस नहीं कह सकते, उसके बाद में 2019 में भी कंपनीज एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं तो वो सारे इसमें मेंशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अभी तक जितना मैं करवाया है मैंने आज, वो कंप्लीट समझ आया आपको? लाइबिलिटी बताइए, लाइबिलिटी कैसे रहेगी, पार्टनर्स जो है उनकी लाइबिलिटी कैसे रहेगी? लाइबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड का मतलब ये है, काफी बार ये हो जाता है कि मान लीजिए एक बिजनेस के अंदर अपने को और कैपिटल, मतलब कैपिटल है वो इनसफिशियंट है, ठीक है, तो और कैपिटल की जरूरत है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके और भी तो ऐड करना पड़ेगा उनको कैपिटल, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि काफी बार अपन देखने को अपने को मिलता है तो लाइबिलिटी इन केसेस में क्या होता है, अनलिमिटेड मानी जाती है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत पीछे का पूछ लूँ आप लोगों को, कितना पढ़ पाए हो, कितना समझ पाए हो, देखती हूँ मैं सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है, पीछे का डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। अभी देखो आपकी नोटबुक तो है नहीं मेरे पास, ज्यादा मैं पूछ ही नहीं पाऊंगी।
थोड़ा थोड़ा तो पूछा हुआ है। इंश्योरेंस वर्ड जो है, इंश्योरेंस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो इंश्योरेंस वो है, तो आप किस मतलब पॉइंट में इन्वॉल्व करेंगे, क्या टॉपिक मतलब किस टॉपिक में आप इन्वॉल्व करना चाहेंगे इंश्योरेंस को? ठीक है, इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था, फिर एडवर्टाइजमेंट भी मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी, वो दोनों ही किसमें इन्वॉल्व आप करेंगे, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग में। ओके, वेरी गुड रोहित। अच्छा ये बताइए आप कि सेकंड मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ कि ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस जो है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस में सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है कोई भी बिजनेस का वो क्या होना चाहिए, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड रक्षा। वेरी गुड, और सेकंड क्या होना चाहिए? सेकंड जो कि अभी जो अपन मॉडर्न बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी बिजनेस का एक सेकंड ऑब्जेक्ट अपन माने। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड, वेरी गुड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड सुधीर, वेरी गुड रक्षा, वेरी गुड रोहित। अब ये बताइए कि अपन ने बात की थी कि ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस में एक पॉइंट मैंने आपको आपके सामने ये भी इन्वॉल्व करा था कि फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ठीक है, तो फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्स के एग्जांपल, एनी टू, कोई भी दो दो एग्जांपल क्या क्या देंगे, फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल, फिजिकल रिसोर्सेज में क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे? आप तो दो दो वर्ड वर्ड लिख दो, फटाफट आ जाएगा समझ में। ओके, वेरी गुड राकेश, एक एक एग्जाम्पल ही दे दो, दो दो की जरूरत ही नहीं है। अपूर्वा, वेरी गुड बेटा। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे आप, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में, फटाफट फटाफट, वेरी गुड रक्षा। वेरी गुड कुलदीप, मनी याद तो है मतलब, है ना, याद है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सही लगा मुझे, थोड़ा बहुत याद तो कैश, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि अपन ने स्पेकुलेटिव रिस्क की बात की थी ना, स्पेकुलेटिव, तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व करोगे, क्या है? वेरी गुड रोहित, वेरी गुड रक्षा, वेरी गुड अपूर्वा। बहुत ही सही लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग एटलीस्ट आपको है माइंड में ये सब चीजें, ये सब कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर है। वेरी गुड अश्मित, वेरी गुड बेटा। और प्योर रिस्क क्या कह रहा है अपने को, प्योर रिस्क की कोई भी एग्जांपल बताओ, प्योर रिस्क का एग्जांपल, प्योर रिस्क का एग्जांपल। प्योर रिस्क का एक एग्जांपल, वेरी गुड।
वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड रक्षा, वेरी गुड प्रिया। वेरी गुड रोहित। अच्छा अब ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे बच्चों को। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोई भी आप एक डिफरेंस, अगर एक डिफरेंस लेना चाहे तो सोल ट्रेड और एचयूएफ और पार्टनरशिप तीनों में एक एक डिफरेंस। फटाफट शॉर्ट शॉर्ट में टाइप कर दो, सिर्फ नाम नाम लिख दो, कंप्लीट लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैम सोल में ये होगा, उसमें ये होगा और उसमें ये होगा, तीनों डिफरेंस बिटवीन, एनी वन डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म। बिल्कुल रोहित, वेरी गुड बेटा। ओके रोहित, फॉर्मेशन और क्लोजर। सोल में ऑर्डिनेंट रूल रहता है, वेरी गुड। रिस्क बियरिंग, वेरी गुड। टू मेंबर और मोर इन पार्टनरशिप, फैमिली बिजनेस इन जॉइंट हिंदू बिजनेस। ऐसे क्या है, बीच बीच में पूछते रहे ना तो थोड़ा ठीक है, बैलेंस बना रहे, ठीक है? वरना ये होता है मैम पढ़ाती आती है, पढ़ाती है चली जाती है, मैम को पता, मैम बिल्कुल पूछने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है ना। थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए भी सही है कि लर्न होता रहता है साथ साथ। बिल्कुल, नंबर ऑफ पार्टनर्स और एचयूएफ में फैमिली बिजनेस है, बिल्कुल सही है रक्षा। ये फैमिली बिजनेस है, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, रिस्क बियरिंग हुआ, नंबर ऑफ पार्टनर्स हुए, डिसीजन मेकिंग, मोर इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप, वेरी गुड, और कंट्रोल। ठीक है, मतलब अभी तक जितना भी करवाया है वो सब क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सबने बहुत बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, ठीक है? तो कोशिश यही रखा करो कि जितना भी डिस्कशन अपन, पता है 11th की क्लास में मतलब एक इंटरेस्टिंग सी क्लास क्यों बनती है, और मुझे नहीं पता कि क्योंकि मैं सिर्फ बीएसटी पढ़ा रही हूँ तो मुझे सिर्फ बीएसटी का पता है कि बीएसटी की क्लास में तो आप बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, ठीक है? बाकी क्लासेस का तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। तो ऐसे क्या है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाओगे ना तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा। और मैंने स्टार्टिंग में जो बच्चे बिल्कुल मतलब फ्रेशर्स आए थे ना जल्दी, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो उनमें से क्या हो रहा था, जैसे अपूर्वा है, रक्षा है, ठीक है, और अश्मित है, तो इन बच्चों ने तो स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड करी, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया हो गया था, तो उनको भी धीरे धीरे समझ में आने लगा था। पर कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत लेट क्लासेस अटेंड करी थी तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि बच्चों को समझ आएगा नहीं आएगा। तो अब रेगुलर जब आप है ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत भी समझ में आओ चाहे, पर आएगा समझ में, ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में आएगी। बिल्कुल, आप सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, नो डाउट, आप बहुत अच्छे हैं, आप सब स्टूडेंट्स, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल मैम, लकी है ना कि आप सभी इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिल रहा है मैम को, है ना? देखो बच्चे अच्छे हैं ना, इसलिए मैम भी अच्छी है, ठीक है? आज की क्लास कंप्लीट करें, आज मैंने 5-10 मिनट आपका एक्स्ट्रा इसीलिए ले लिया क्योंकि मुझे दिमाग में वो आइडिया था कि इको की क्लास नहीं है, अब आप फ्री हैं, ब्रेकफास्ट करिए और नोट्स मैं आज इवनिंग तक आपको सेंड कर दूंगी, कोशिश रखूंगी कि कंप्लीट चैप्टर है वो आज कंप्लीट सेंड कर ही दे, क्योंकि फिर चैप्टर सेकेंड है वो भी अपना थोड़ा
अभी तक तो अपूर्वा 21 के बाद का ही है, बाकी अभी कुछ आइडिया है नहीं। ठीक है, जितने भी दिन आप घर पे हैं उतने दिन सेफ है, आप ये मान के चलिए। घर से अच्छा प्लेस कुछ नहीं है अभी फिलहाल, जो टाइम चल रहा है उसके लिए। बाय रोहित, वेलकम राकेश, बाय कुलदीप, बाय अपूर्वा, ओके अश्मित, बाय सुधीर, बाय कुलदीप, बाय प्रिया, बाय रोहित, बाय नेहा, कोई स्टूडेंट छूट जाए तो गौर नहीं करना ज्यादा। बाय कृतिका, बाय सुधीर, मोस्ट वेलकम पूर्वा, बाय बेटा। ठीक है, रिकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं यहाँ पे।